नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम कुशवाहा और आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल नेचर्स लवर का हिंदी वर्ज़न। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं इस एलोवेरा पौधे की, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत, हार्डी और एक परमानेंट पौधा होता है, और इसके बहुत ही अधिक औषधीय गुण भी होते हैं। और आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि कोई इम्पॉर्टेंट जानकारी मिस ना हो जाए। तो चलिए आज इस पौधे की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अपने गुणों के कारण एलोवेरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंग्लिश में आप इसे एलोवेरा या कॉमन एलोवेरा के नाम से जानते हैं, हिंदी में आप घी कुंवार या गुआर पाठा कहते हैं, गुजराती में कुंवार या फिर कड़वी कुंवार कहते हैं, संस्कृत में धित कुमारी या कुमारी नाम से जाना जाता है, तेलुगु में ले लें तो कलबंद के नाम से मशहूर है, पंजाबी में कुरवा नाम से जाना जाता है, बंगाली में धृत कुमारी नाम से जाना जाता है और मराठी में इसे कोरा फट्टा नाम से जाना जाता है। अगर एलोवेरा के प्रकार की बात की जाए तो इसके कई प्रकार मौजूद हैं, लेकिन सभी के बारे में बता पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसकी कुछ वैरायटियां तो आपको आपके नज़दीकी लोकल नर्सरी में देखने को मिल जाएंगी, जो कि 100 से 150 रुपये के आसपास मिल जाती हैं। और ये एलोवेरा का पौधा तो बहुत ही कॉमन पौधा है, तो ये आपको 30, 40 और 50 रुपये तक के भी रेंज मिल जाएगा, जिस हिसाब से पौधा होगा। हालांकि मेरे पास तो बहुत सारे एलोवेरा के पौधे हैं और कुछ तो मैंने बैकअप के लिए बाउंड्री पे लगा रखा है। और ये देखिए मेरा सतावरी का पौधा, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत हो रहा है। अभी तो सूख गया था, लेकिन अभी इसने ग्रोथ चालू की है। मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा पौधे हो जाते हैं तो उन्हें मैं अपनी बाउंड्रीज में लगा देता हूँ, ताकि मेरे पास एक्स्ट्रा बैकअप बने रहे और किसी को अगर देना हो तो मेरे पास कमी ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं इसके गुणों की तरफ। तो एलोवेरा भले ही एक छोटा सा पौधा है, लेकिन इसके गुण पूरे विश्व में मशहूर हैं। इसके अनगिनत फ़ायदों के कारण ही इसे लगभग हर घरों में इस्तेमाल किया जाता है और लगाया जाता है। एलोवेरा के फ़ायदे अनेक हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे वो त्वचा के लिए हो, चाहे वो बालों के लिए। धृत कुमारी के लाभ की लिस्ट लंबी है और इसके बारे में डिटेल बता पाना मेरे लिए भी मुश्किल है, और इनके बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी मिले, इसी वजह से मैं आपको अपना कुछ नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस पौधे में बहुत ही अधिक औषधीय गुण होते हैं, लेकिन फिर भी ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। इसे सिर्फ घरेलू नुस्खे की तरह ही इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर कोई गंभीर रोग से पीड़ित है तो उसे डॉक्टर से इलाज जरूर करवाना चाहिए। चलिए फटाफट पहले इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लिया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों का वज़न अधिक है, तो उस कंडीशन में अगर वो कैलोरी डेफिसिट में डाइट लेते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी लाभ मिलता है उनको। और जो लोग कब्ज से परेशान रहते हैं, उस दिक्कत में भी इसे यूज़ किया जाता है। मधुमेह के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जिन लोगों का पाचन क्रिया या फिर जिनका वज़न कम है, अगर वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं और बराबर डाइट लेते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, तो उसमें भी उनको मदद मिलती है। इसके बाद जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अगर उस कंडीशन में भी लोग यूज़ करते हैं तो बेनिफिट देता है ये। इसकी जो डिटेल यूज़ और कैसे यूज़ करना है, इसको अलग से वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, क्योंकि इस वीडियो में संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और हृदय रोगों से बचाव के लिए, और जो अगर कहीं कट वगैरह या सूजन वगैरह हो तो भी उसमें इसका जो जेल लगाया जाता है। आप भी देखिए मेरी बाउंड्री, मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पर सारे पौधे लगा रखे हैं। जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा हो जाते हैं, उसको जैसे एक नॉर्मल साइज़ गमला, उसमें वो कम्प्लीटली हो गया और उसका रूट बाउंड हो गया, तो उस कंडीशन में उस पौधे को निकाल के बाउंड्री पर लगा देता हूँ, जिसके कारण मेरे पास अच्छी खासी उनका कलेक्शन हो जाता है, और समय पड़ने पर जिसको कोई ज़रूरत होती है तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। हम लोग बात कर रहे थे इसके जेल के फ़ायदे की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय ना बर्बाद करते हुए। इस पौधे का जेल सनबर्न, हल्की खरोच या चोट लगने पर, जलन होने पर, मच्छर के काटने पर या बच्चों को रैशेस होने पर लगाया जाता है, और ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, और ये त्वचा की ड्राइनेस को भी कम करता है और स्किन को मॉइस्चराइज करने का भी काम करता है, और घाव भरने और हेल्दी स्किन पाने के लिए भी एलोवेरा काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इस पौधे की देखभाल की बात की जाए तो इसे डायरेक्ट सनलाइट बहुत पसंद होता है। वैसे तो ये इंडोर, आउटडोर, ग्रीन नेट के नीचे, पेड़ के छांव के नीचे, हर जगह बिना किसी दिक्कत के बहुत ही आसानी से चलता है, लेकिन ये कंप्लीट सनलाइट का पौधा है, तो अगर ये आप इसे सनलाइट में रखते हैं, ओपन
लाइट में रखते हैं तो ये बहुत ही आसानी से अच्छे तरीके से चलता है बिना खाद पानी के। और पानी की बात की जाए तो इसको समय समय में पानी आप दे सकते हैं, लेकिन वैसे इसको कोई खास आवश्यकता होती नहीं क्योंकि सकुलेंट प्रजाति का पौधा है। ऑलरेडी ये अपने पत्तियों में जल रूपी पानी स्टोर करके रखता है ताकि सूखे के समय जब पानी इसको ना मिले तो उसी से सर्वाइव कर सके। और इसकी मिट्टी की बात की जाए तो अगर आप इसको पॉट में लगाते हैं तो जैसा कि मैंने इसमें देखिए मैंने पेंट के डिब्बों में लगा रखा है इसको, और इसका जो ड्रेनेज सिस्टम मैंने कर रखा है काफ़ी होल्स कर रखे हैं, और मैंने इसमें 50% रिवर सैंड और 30% गार्डन सॉइल, 10% गोबर की सड़ी हुई खाद और 10% जो कोयला होता है और 10% जो एक्सेल होते हैं, सभी को अच्छे से मिला के उसी में इसको लगा दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। हालांकि ये जो मेरे पौधे हैं पॉट में इनको पानी थोड़ा अधिक मिल गया है इस कारण ये ग्रीनिश ज़्यादा है, लेकिन अगर इनको जैसे पानी इनको कम मिलेगा जितना इनकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से मिलेगा तो इसमें एक वाइट कलर का निखार आएगा। जैसा कि मैंने बाउंड्री पर लगा रखा है वहाँ पर सिर्फ महीने या फिर 2 महीने में एक ही बार पानी देता हूँ मैं इनको, और ना ही कभी उनको कोई खाद देने की आवश्यकता होती है, ऑटोमेटिक वो अपना मेंटेन करके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ये देखिए मेरे ब्रायोफाइलम के साथ भी मैंने कुछ पौधे लगा रखे थे तो ये भी इनकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और इनको भी पानी थोड़ा अधिक मिल रहा है इस कारण जो इनकी पत्तियाँ काफ़ी फ्लैशी हैं और मोटी हो गई हैं, देखिए बेंड भी हो रही हैं वजन के कारण। यह एलोवेरा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है नए गार्डनर्स के लिए जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से बिना किसी खाद पानी से बहुत ही आसानी से चलते हैं, और ये समय समय पर बेबी प्लांट भी प्रोड्यूस करते हैं जिसे आप निकाल कर मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने लगभग सभी पॉइंट्स कवर कर लिए होंगे, हालांकि इसके बारे में जितना कहा जाए कम है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, धन्यवाद।